आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हैं। आजकल अक्सर अखिलेश यादव जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते दिख रहे हैं। वहीं अब मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही जातीय जनगणना की मांग पर भी अपना स्टैंड साफ किया। मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, ये भगवान राम को न मानने वाले लोग हैं, इनकी पार्टी के बड़े नेता धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं, स्वामी प्रसाद पर अपना स्टैंड साफ करें अखिलेश। अब ये लोग हमेशा समाज के बारे में, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, हमारी धार्मिक पुस्तकों बारे में, ग्रंथों के बारे में ये अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हैं, और ये भगवान राम को का अस्तित्व ना मानने वाले लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग विषयों पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, हमारी आस्थाओं पर चोट करते रहे हैं, तो ये लोग भी समाजवादी पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं। तो इन सारे विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी कन्फ्यूज है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर उनके मन में कुछ सामाजिक विषयों के प्रति श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या उनका स्टैंड है, उनकी पार्टी का, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना लागू होने के बाद अखिलेश यादव भी इन दिनों जातीय जनगणना की मांग जोरों से उठा रहे हैं। उस पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हमारी प्राथमिकता गरीब है और हमारी योजनाएं गरीबों को समर्पित है। वहीं सपा सरकार में समाजवादी पार्टी के लोगों को लाभ मिलता है। हमारी प्राथमिकता में गरीब है, और हमारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों को समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब जवाब इन लोगों ने देना है कि जिस प्रकार से इनकी सरकारों के समय जो भी योजनाएं थी उसमें ये वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करते थे, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी के एक नेता पर गांव-गांव जाकर उनकी पार्टी की बुराई करने का आरोप लगाया था। इस बार भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अगर किसी नेता ने ऐसा बयान दिया है तो वो हमें बताए, इसका समाधान किया जाएगा। मुझे उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर रहा हो, ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, सरकार में मंत्री हैं, और उन्हें इस प्रकार का बयान देने के बजाय हम लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, और मैं निश्चित रूप से उन्हें आश्वस्त करता हूं, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसका बातचीत करके समाधान करेंगे। वहीं 2024 को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, बोले उनकी सरकारों के समय गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और दंगे चरम पर थे, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, आतंकियों पर लगे केस भी वापस लिए जाते थे। जवाब उन लोगों को देना चाहिए जिनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस करती थी। अब जवाब उन लोगों को देना चाहिए, हमारे पास तो जो हमने कहा हमारी सरकारों ने, हम उसे हमने पूरा किया मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में, और लगातार हम जनता के बीच में। इस दौरान मंत्री संजीव बालियान के बयान पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया। आपको बता दें कि हाल ही में संजीव बालियान ने वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। इस तरह का कोई प्रस्ताव पार्टी के सरकार के विचाराधीन नहीं है, किसी ने कहा होगा तो उनका निजी विषय है अभी। हाँ, एक बात जरूर है कि हम लोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी मांग हम लोग करते रहे हैं, पुनर्गठन आयोग सक्रिय है और उसके आधार पर अगर उसकी अनुशंसा आती है तो उसके विषय में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अलग राज्य की मांग ऐसा कोई विषय पार्टी के स्तर में या किसी सरकार के स्तर में कोई विचाराधीन नहीं है। किसी की निजी विषय हो सकता है तो उन्होंने अपना विषय रखा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।